अस्सलाम वालेकुम। तो प्राइस प्रिडिक्शन कर लेते हैं। प्राइस प्रिडिक्शन हम कर देते हैं बिटकॉइन की। आज देखते हैं कि मार्केट क्या सिचुएशन है। बहुत से दिन हो गए कि मार्केट कुछ अपना अच्छा मूव नहीं दे रहा। अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। शायद ये वीडियो आप तक पहुँचते पहुँचते मार्केट बहुत ऊपर की तरफ जा चुकी होगी, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मुझसे जितना जल्दी हो सके मैं उसको अपलोड कर सकूं। कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये एमए मूविंग एवरेज क्रॉस का एक इंडिकेटर है। सेम यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का दो इंडिकेटर्स मैंने कर दिया, इसको मैं 20 पे कर दूंगा और इसी को मैं कर दूंगा, मैं इसको 200 पे रख दूंगा। देखते कि अब मुझे क्रॉस में सो दिस वन, इसको मैं थोड़ा स्टाइल और कलर कलर्स कम कर लेते हैं। नो ब्लैक नहीं, व्हाइट कर लेते हैं। चले वाइट सही है। ओके ओके एंड इसी का कलर हम मूविंग एवरेज का जो एक्सपोनेंशियल का जो इंडिकेटर्स है वही इस्तेमाल करते हैं। सही है, अभी मैं उसमें लगा हुआ हूँ। सेम इसी तरह इसका कुछ और कलर ये रख लेंगे। ओके ओके वाह ये टाइम फ्रेम वन आवर की टाइम फ्रेम को मैंने जरूरत थी। देखिए मैंने जिस तरह आपको कहा था सवर कर दे, इसको मैं थोड़ा काट दूं। इसको कर लेते हैं, देखिए 4 आवर पे रख लेते इसको। चल इसको थोड़ा तो मार्केट की जो सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं। मार्केट मुकम्मल ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज क्रॉस का जो एंगल ये बना रहा है। मैंने जिस तरह आपको उस दिन भी कहा था, डिपेंड करता है कि वो उसकी एक मिनट मैं जरा आपको यहाँ पे समझा सकूँ। मैं यहाँ पे ये कॉल लूंगा। सही, जिस तरह मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को देख ले एक बार, तो मैंने कहा कि दो ग्राफ्स आपके पास होंगे। एक फॉर एग्जाम्पल ये है जो 20 दिन का ग्राफ होगा या 20 आपने जो भी दिन दिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है। दूसरा जो ग्राफ है जो मैंने कहा कि जो इंटरसेक्ट करेगा इसको, तो डिपेंड करता है कि किस एंगल से इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए इसकी जो सिचुएशन है यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ पे ये जब इसने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्ट किया। अब मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी, देखिए शायद ये स्लो स्लो स्लोली 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 ऊपर की तरफ, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसने एक एंगल लिया हुआ है, इस तरह का एक एंगल ऊपर की तरफ ले चुका है। ये वो एंगल है। अब अगर बिटकॉइन की हम सिचुएशन को देखें तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। येलो की लाइन को देखिए, मार्केट ने यहाँ पे इंटरसेक्शन तो कर लिया, लेकिन येलो ने अपनी बिल्कुल आप उसकी एंगल का देख सकते हैं किस किस एंगल से उसने अपने आप को क्रॉस किया है। अपने आप को जो न्यू अपनी लोकेशन फाइंड और अपनी नेक्स्ट मूव के लिए उसने किस एंगल को लिया है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम इसी के साथ साथ कुछ और इंडिकेटर्स भी साथ में इसको अगर हम इस तरह कर लेंगे, एक मिनट मैं इसको जरा सेट कर दूं, एक मिनट सॉरी। ओके चल इसको भी थोड़ा
यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ हमने 4 आवर्स का, अगर 1 घंटे का इसका हम कर लेते तो देखिए, ये देखिए जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है, अब ये जो मूविंग एवरेज क्रॉस है ये आप, मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे ग्राफ के लिए वैलिड है। आप 4 घंटे की उसके साथ आप ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, 1 घंटे से ज़्यादा आप इस पर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कि इंटरसेक्शन पॉइंट को देख ले यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब मार्केट की एंगल को देखें, अगर आप 4 आवर्स को देख ले तो इसका मतलब ये है कि कल की जो सिचुएशन होगी मार्केट तब भी ऊपर होगी, क्योंकि जिस एंगल से इसके इंटरसेक्शन यहाँ पे, जिस एंगल से अपने आपको ये काट रहा है, तो ऐसा ही लग रहा है कि ये मार्केट 2-3 दिन के लिए ऊपर की तरफ ही होगी। अगर खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन बनी कहीं न्यूज व्यूज आ गई मार्केट में, तो तब फिर ये एंगल, कोई भी एंगल काम नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन थी तो मार्केट की सिचुएशन है वो मेरे ख्याल से वो अपने अपने हाई यहाँ पे इस ये चाहेगा। अभी किस पे है, 39 पे है मेरे ख्याल से ये, एक मिनट मैं ज़रा इसकी ओके। तो इसकी जो सिचुएशन है वो मतलब यहाँ तक तो कम से कम 40, यहाँ तक तो कम से कम जाएगा ये जो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ तक तो कम से कम ये अपने आपको, हाँ अगर इसने इसको क्रॉस किया तो शायद ऊपर की तरफ जाए, यहाँ तक चले जाए, डिपेंड करता है। सही, हाँ अगर इसने अपने इस एंगल को क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसकी, एक मिनट, एक तो बड़ा मसला है यार इसमें माउस में, एक मिनट ओके। ये अब देखिए, अब अगर मार्केट यहाँ तक आ गई, यहाँ तक फॉर एग्जांपल मार्केट आ गई यहाँ तक, तो मार्केट का जो नेक्स्ट, जो मैंने जिस तरह आपको उस दिन भी कहा था कि डिपेंड करता है कि मार्केट किस एंगल पे अपना फ्लक्चुएशन, अब प्रीवियस वीडियो में देख ले तो उसमें ये सब कुछ जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पे चार ओके। ये अगर आप इसको, थोड़ा सही है नहीं ये, लेकिन फिर भी देखें, अब मैंने जिस तरह आपको कहा था, कही गया एक मिनट, ग्राफ ही थोड़ा रिटर्न कर लेते इसको, थोड़ा स्विच कर देना, एक मिनट। मैंने इसको भी यहाँ से कहीं से टिक कर दिया, लेकिन मुझसे भी चले आपको मैं, एक मिनट मैं यहाँ से मार्केट से मैं आपको थोड़ा यहाँ से हम देख लेते हैं, चले BTC की क्या सिचुएशन है, तो उसको हम बिटकॉइन की 2% तकरीबन ऊपर जा चुका है। अच्छा, इसका आप देख सकते हैं, देखिए अगर जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनका, उनको चाहिए कि वो अपने, फॉर एग्जांपल अगर वो, उनको पता होना चाहिए कि आज से 3 दिन पहले इसका वॉल्यूम कितना था, आज इसका वॉल्यूम कितना है, प्रीवियस 24 आवर में इसका वॉल्यूम कितना था और अभी इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है। सेम इसी तरह जो इसका लो, जो इसने अपने फुल टाइम लो 24 आवर में या किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 24 आवर, 1 आवर्स एंड 1 ईयर, तो ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अपना कितना लो तक जा चुका है, तो ये आपको किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम और ये सब कुछ क्या है। सही है, सेम इसी तरह उसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट की मूव किस तरह होगी, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल, जिस तरह अगर मैंने आपको एक 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 टूल बताया था जिसको इस्तेमाल करके, मेरे ख्याल से यही एक था फेयरग्रेड इंडेक्स, ये अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको बताया था कि आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब एक्सट्रीम फेयर है, क्या मतलब हुआ कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ये प्रिडक्शन कर देता है कि आप
कहाँ से ये डिफरेंट जगहों से ये अपनी डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बेस पे ये आपको बता देता है कि मार्केट में आपको अभी इन होना है या नहीं होना है, क्या ये बेस्ट टाइम है कि आप मार्केट में इन हो जाओ या बेस्ट टाइम नहीं है। तो ये वो इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि देखिए इंडेक्स के आपको ये बता रहा है कि आपको मार्केट में इन होना है या नहीं होना, तो ये सब कुछ आपको बता रहा है। सही है, तो ये भी एक अच्छी वो है कि जब जितना ये नीचे की तरफ हो जो इंडिकेटर्स है, तो इतना ही आपको चाहिए कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लास्ट मंथ आप देख ले तो देखिए मार्केट क्या था, ग्रीड था, तो इसका मतलब ये था कि आपके पास टाइम नहीं था। द नेक्स्ट अपडेट विल हैपन इन ओके। अब देखे ना जैसे ही मार्केट की सिचुएशन, यहाँ पे देखिए बिटकॉइन की प्राइस को देख लें, 2% गया है ना, 1.86, तो यहाँ पे देखिए 14 आवर्स में आपको एंड 6 मिनट्स एंड 28-27 सेकंड में आपको ये बता देगा कि अब मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी। क्या मतलब कि अब ये मार्केट की जो जो सिचुएशन है उसको प्रिडिक्ट करेगा, ये प्रिडिक्ट करेगा, इसकी प्रिडिक्शन के बाद ही ये बताएगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूव जो होगी वो किस साइड पे होगी, किस एंगल पे होगी, किस तरफ जाएगी। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना होगा। अगर इन चीजों पे फोकस करेंगे तो आई होप कि आपका जो 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 आने वाला इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर होगा और उसमें आपको इतना लॉस नहीं होगा। तो ये थी तो मार्केट की जो सिचुएशन है, अगर हम उसको मद्देनजर रखते हुए बात करें कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो क्या है, तो मार्केट की सिचुएशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और जो आप जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं वो यही है कि मार्केट अपना जो मूव है वो ऊपर की तरफ ही ले जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ओके, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको 1 आवर के बजाय 4 आवर में कर लें, तो मार्केट की आप सिचुएशन देख सकते हैं, मार्केट ऊपर ही की तरफ है। यहाँ पे अगर हम इसका MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन की इंडिकेटर्स को देखें, ये वाला यहाँ पे, तो ये देखिए ना, ये भी अपनी जो रेड लाइन है जो जो क्रॉस कर रहा है, बेशक एंगल वो एंगल नहीं है जो हमें चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये हमें नजर आ रहा है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता की तरफ ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये भी एक इंडिकेटर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट इंडिकेटर्स है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह RSI, RSI पे तो मैं पूरी एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसमें हम ये वाले इंडिकेटर्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इसकी जो फंक्शनलिटी है या क्या क्या वो हमें दे रहा है इस्तेमाल करने से, क्या क्या मार्केट क्या सिचुएशन ये बता रही है हमें। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जिन्होंने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है 37 समथिंग पे, तो मार्केट अभी 39 पे है, तो होपफुल कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा और मार्केट अब भी ऊपर की तरफ जा रही है। सेम इसी तरह अगर ये अब देखे ना, अब अगर ये अब अगर आप स्पेसिफिक टाइम के अंदर फॉर एग्जांपल 1 आवर हम कर लेते हैं, तो देखिए फ्लक्चुएशन शो हुई। अगर आप इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रा करें तो आप उसका फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो फ्लक्चुएशंस, इसे प्रीवियस वीडियो में जो फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट होती है, तो फिर मार्केट की जो नेक्स्ट मूव होगी वो क्या होगी, तो वो चीज़ भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। MACD जो मैंने आपको बताया था, RSI हो गया, इसी तरह जो कल मैंने एक दो और चीज़ें आपको बताई थी कि उस पर भी आप थोड़ा फोकस कर ले, उस चीज़ को भी थोड़ा देख ले, तो उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि मार्केट की जो मूव होगी वो अच्छी होगी। होपफुल इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह मार्केट अच्छी की तरफ ही जाएगी, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।